हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ई क्लासेस। माय सेल्फ सुनील शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ कीप ऑन और गो ऑन। कीप ऑन, कीप ऑन मीन्स होता है जारी रखना, किसी भी वर्क को कंटिन्यूअस वे में लगातार चलते रहना, और गो ऑन भी इसी में आता है। तो जब हम किसी भी वर्क को कंटिन्यूअस वे में देखते हैं कि उसने ऐसा कार्य बड़े लंबे समय तक किया, तब हम कीप ऑन और गो ऑन का यूज करते हैं। सामान्य रूप से कीप ऑन गो ऑन सिमिलर हैं। जब कीप ऑन गो ऑन को हम पास्ट में यूज करते हैं, और जब भी ऐसा होता है कि उसने ऐसा कार्य लंबे समय तक किया, तो कीप को कर देते हैं केप्ट ऑन, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट ऑन। तो केप्ट ऑन या वेंट ऑन मीन्स होता है जारी रखना। जारी रखना मीन्स कंटिन्यूअस वे में चलाते रहना, जब काम लगातार चलता रहता है तब हम केप्ट ऑन और वेंट ऑन का यूज करते हैं। ये दोनों ही लगातार चलते रहने के लिए आते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन या फिर वेंट ऑन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपना सेंटेंस क्रिएट करते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर केप्ट ऑन या वेंट ऑन, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। पहला सेंटेंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मोहन अपना कार्य करता रहा। इसका मतलब है मोहन अपने कार्य में लगातार लगा रहा। सब्जेक्ट मोहन, क्या करता रहा, कार्य करता रहा। तो मोहन, अब केप्ट ऑन और वेंट ऑन, तो यहां पर हम लगाएंगे वेंट ऑन। मोहन वेंट ऑन क्या करता रहा, कार्य करता रहा। डूइंग हिज वर्क, मोहन वेंट ऑन डूइंग हिज वर्क। मोहन लगातार अपना कार्य करता रहा है, तो ये पास्ट में है मोहन, और जो वर्ब है वो गो की वेंट हो जाएगी, वेंट ऑन हो गया, मोहन वेंट ऑन डूइंग हिज वर्क। सेकेंड सेंटेंस, खिलाड़ी शाम तक मैदान में खेलते रहे। खिलाड़ी शाम तक मैदान में खेलते रहे। ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में अंतर है।
ऊपर वाला सेंटेंस है, इसमें वर्क तो स्टार्ट रहा लेकिन टाइम नहीं है, लेकिन नीचे वाला है उसमें आया है शाम तक। खिलाड़ी कब तक खेले थे? शाम तक खेले थे। मोहन अपना कार्य करता रहा, कोई टाइम नहीं था। कब तक किया उसने? दोपहर तक किया, शाम तक किया कि रात तक किया? लेकिन यहां ये क्लियर हो रहा है कि हमारा जो वर्क है वो शाम तक चलता रहा। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में कंटिन्यूअस वे में वर्क जारी हो, टाइम भी दिया हो, तो वहां पर हम कैप्ट ऑन का यूज करते हैं। द प्लेयर्स कैप्ट ऑन। अब खेलने की अंग्रेजी प्ले, और प्ले में लग जाएगी आईएनजी, तो हो गया प्लेइंग। द प्लेयर्स कैप्ट ऑन प्लेइंग इन द फील्ड। अब कब तक खेलते रहे हैं? शाम तक। तो द प्लेयर्स कैप्ट ऑन प्लेइंग इन द फील्ड टिल इवनिंग। द प्लेयर्स कैप्ट ऑन प्लेइंग इन द फील्ड टिल इवनिंग। तो ध्यान रखें, जब आपका सेंटेंस टाइम लेकर ना आए तो आप वेंट ऑन का यूज करें, और जब आपके सेंटेंस में टाइम आता है तो कैप्ट ऑन का यूज करें। वैसे दोनों का सेम जो मीनिंग है वह है जारी रखना, लगातार चलते रहना, कंटिन्यूअस वे में आपका वर्क चलता रहे। तो ये चाहे कैप्ट ऑन लगाएं, वेंट ऑन लगाएं, उनके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन टाइम आएगा तो कैप्ट ऑन का ही यूज करते हैं, वेंट ऑन का यूज नहीं करते हैं। वेंट ऑन का यूज केवल उसी कंडीशन में करते हैं जब टाइम नहीं दिया हो, और जब टाइम दिया होता है तो हम कैप्ट ऑन का यूज करते हैं। आगे देखें, अब आप देखें यूज ऑफ हाउ टू और बिगिन टू। हाउ टू मीन्स होता है कैसे, कैसे या फिर किस तरह या किस प्रकार। हाउ टू का यूज हम तब करते हैं जब किसी भी वर्क को करने का तरीका जानना चाहते हैं। ये हमें उसकी मेथड बताता है। हम किसी वर्क की मेथड को सीखना चाहते हैं तो हम हाउ टू का यूज करते हैं। जैसे आपने पूछा ये बाइक कैसे चलती है, तो इसका मतलब है आप उस मेथड को जानना चाहते हैं जिससे वो बाइक चलती है। आपने पूछा ये रेसिपी कैसे बनाई जाती है, तो मींस यू वांट टू नो अबाउट द मेथड ऑफ दैट रेसिपी। आप उस रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये हाउ टू का यूज करते हैं हम। सेकंड है आपका बिगिन टू, और बिगिन टू को हम चेंज कर देते हैं बिगिन टू। ये बिगिन टू मीन्स होता है आरंभ होना, आरंभ होना या फिर शुरू होना, शुरू होना। और ये शुरू भी कैसे होता है? अचानक, एकदम से, ऑल ऑफ ए सडन। ऑल ऑफ ए सडन होता है, जो भी वर्क अचानक हो जाए। जैसे एक कोई व्यक्ति है, वह खड़ा है और बारात जा रही है, उसके मन में अचानक क्या आया, तुरंत दौड़ के गया और डांस करने लगा,
ये अचानक है, अगर कोई प्री प्लान्ड है तो वो नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन जो भी होता है वो बिगिन से स्टार्ट होता है। तो जब भी अचानक कोई चीज स्टार्ट होती है, अचानक कोई चीज आरंभ होती है, तो हम बिगिन टू का यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें आप पहले, जैसे मैं क्रिकेट खेलना नहीं जानता, तो इसका मतलब है मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि जिस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है। तो मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। और इसके बाद हम लगाते हैं हाउ टू, हाउ टू प्ले क्रिकेट, आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मैं खाना बनाना नहीं जानता, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू राइड साइकिल। मैं कपड़े धोना नहीं जानता, आई डोंट नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स। तो जब भी ये कुछ जानने का हो, और ये है कि हाँ मैं जानता हूं, यस आई नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स, आई नो हाउ टू कुक फूड, आई नो हाउ टू मोप फ्लोर, तो जब भी ऐसा आता है तो हाउ टू उसके बाद में एमवी फर्स्ट लगा दिए हैं। तो मैं क्रिकेट खेलना नहीं जानता, आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। सेकंड में जैसे मान लीजिए मैं जानता हूं, वह है गाना गाना जानता है, तो इसका मतलब है कि गाना किस प्रकार से गाया जाता है, इसकी टेक्निक उसे आती है। तो ही knows how to sing song, he knows how to sing song, क्योंकि उसे पता है कि गाना किस तरह से गाया जाता है। अब आ जाए begin to पर, third उसने नाचना शुरू कर दिया, इसका मतलब वो बैठा था, अचानक उठा और उसने डांस करना शुरू कर दिया। तो ही अब उसने अचानक शुरू किया है, तो ही Begin to dance. He began to dance. उसने नाचना शुरू कर दिया है। अगर पहले से होता तो हम स्टार्ट कर देते, लेकिन बिगेन का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी वर्क अचानक हो, सडनली, ऑल ऑफ ए सडन। फोर्थ में देखें, मोहन ने खेलना आरंभ कर दिया, मोहन पढ़ रहा था, अचानक उठा और खेलने लगा, जबकि उसका ये स्टडी टाइम है, लेकिन उसने क्या किया, खेलना शुरू कर दिया है। तो अब एकदम से उसने खेलना शुरू किया है, तो मोहन बिगेन टू प्ले, मोहन बिगेन टू प्ले, उसने
खेलना शुरू कर दिया था, मोहन बिगेन टू प्ले। तो जब भी ऐसा होता है ऑल ऑफ ए सडन की बात हो तो हम बिगेन टू का यूज करते हैं। और अगर हमें कुछ सीखना है, कुछ जानना है, किसी मेथड को सीखना है, तब हम हाउ टू का यूज करते हैं। तो जो भी चीज है, चाहे आपका कोई क्वेश्चन हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी का भी हो, यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वहां हाउ टू का यूज करते हैं। एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, तो जब भी करें उसके बारे में तो हाउ टू। और अचानक कोई चीज शुरू होती है तो वहां पर बिगेन टू का यूज करते हैं। तो ये है हाउ टू और बिगेन टू। तो गाइस, आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे हम सबको अपने घर पर रहना पड़ रहा है, तो आप अपना वर्क चलाते रहें, नोटबुक पर डेली की डेली एक्सरसाइज करते रहें, और बी सेफ। थैंक यू।